हेलो कन्या राशि, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि 15 to 31 दिसंबर तक आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है, आपके और आपके पार्टनर की फीलिंग्स एक दूसरे के लिए क्या होगी और आगे क्या रहने वाला है, आपके लिए गाइडेंस क्या है एंजल्स के द्वारा। एंड लास्ट में आज मैं लेकर आई हूँ एक सवाल का जवाब आपके। तो आप कोई भी सवाल आपकी लव लाइफ से रिलेटेड अपने मन में सोच सकते हैं, सिर्फ यस और नो का रिप्लाई लास्ट में आपको मिलेगा। तो स्टार्ट करने से पहले, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि ये जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं कि सारे मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट हो। जो मैसेज आपको लगता है आपके लिए है, आप सिर्फ उसी को लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। विर्गो कन्या राशि, आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए कैसी होगी, उनके मन में आपके लिए क्या चल रहा है, देखते हैं। आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए कैसी होगी, आपके पार्टनर के मन में आपके लिए क्या चल रहा है। वीरगो कन्या राशि, फिफ्टींथ टू थर्टी फर्स्ट आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या होगी, आपके पार्टनर के मन में आपके लिए क्या चल रहा है। ओके, मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि थोड़ा आप दोनों के बीच में अभी प्रॉब्लम चल रहा है। प्रॉब्लम का मतलब मैं ये कहूँगी कि दोनों की बातचीत थोड़ी कम हो रही है। दोनों एक दूसरे के लिए सोच रहे हैं कि किस तरह से आगे बढ़ा जाए इस रिश्ते में, क्योंकि यहाँ पर रिलीजियस फैक्टर मुझे यहाँ दिखा रहे हैं कि आप दोनों एक बहुत ही अलग तरह की फैमिली से बिलोंग करते हैं, अलग अलग तरह की, दोनों के रिलीजियस अलग अलग हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको मन में पता है कि इस रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं है, या फिर आप जानते हैं कि आपकी फैमिलीज रेडी नहीं होगी। तो यहाँ पर आपके पार्टनर जो है वो ये कहना चाहते हैं कि हमें एक दूसरे के बिना भी रहना आना चाहिए और एक दूसरे के साथ भी रहना आना चाहिए। मतलब वो ये चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा मुझ पर डिपेंड मत बनो। यहाँ उनके मन की बात यह है। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं होता है, फीलिंग्स बहुत सो की चॉइस में होता है कि नहीं, अगर मैं किसी के साथ फीलिंग्स के साथ कनेक्ट हूँ तो मैं पूरी तरह से कनेक्ट हूँ, और अगर नहीं होना है तो बिल्कुल नहीं होना है। लेकिन यहाँ आपके पार्टनर कहना चाहते हैं कि हम सिर्फ अच्छे दोस्त बनकर रह सकते हैं, अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, या फिर मतलब जब तक हम साथ हैं तब तक हम खुश रह सकते हैं। आपके पार्टनर की एनर्जी ऐसी है, आपके पार्टनर आपसे ये बात शेयर कर सकते हैं इन 15 दिनों में। लेकिन आपकी तरफ से मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है, आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, मेरी अगर फीलिंग्स किसी के साथ कनेक्ट है तो वो पूरी तरह से कनेक्ट है, नहीं तो नहीं है। आपके पार्टनर आपके साथ बहुत अच्छा टाइम, रोमांटिक टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, एक अच्छी डेट एंजॉय करना चाहते हैं। आप अगर नहीं समझ रहे हो तो आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं कि आप चलो तुम्हारे फ्रेंड से हेल्प ले लेते हैं। मतलब वो किसी से आपको समझाना चाहते हैं कि हर रिश्ता एक जैसा नहीं होता है, हर रिश्ता फ्यूचर के लिए नहीं होता है, प्रॉपर कमिटमेंट मिले ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। तो यहाँ आपके पार्टनर कहना चाहते हैं कि अगर तुम नहीं समझ पा रहे हो तो तुम किसी की हेल्प ले सकते हो, किसी से गाइडेंस ले सकते हो, अपने फ्रेंड से पूछ सकते हो। तो यहाँ पर आपके फ्रेंड आपकी हेल्प कर सकते हैं। अगर आप दोनों के, मुझे ऐसा लग रहा है, कॉमन फ्रेंड्स भी हो सकते हैं जो कि आपको समझा सकते हैं कि ठीक है, इस रिश्ते को ऐसे ही चलने दो जब तक कि ये चल रहा है। आपके पार्टनर कहना चाहते हैं क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट टू सो दैट इट कम्स टू यू नाउ। मतलब जितना जल्दी हो सके तुम डिसाइड कर लो ताकि हम उस तरह अपनी लाइफ की शुरुआत कर सकें। सो यहाँ पर आपके पार्टनर जो है वो सिर्फ आपके साथ अच्छा समय बिताना चाहते हैं, जो कि लाइफ टाइम के लिए उनके मन में आपकी यादें बनी रहे। यहाँ पर कोई कमिटमेंट की बात नहीं की जा रही है, ठीक है। देखते हैं कन्या राशि, 15 से 31 दिसंबर तक आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए कैसी होगी। कन्या राशि, 10 स्टार, हैंग्ड मैन, आपकी फीलिंग्स आपके पार्टनर के लिए कैसी होगी। कन्या राशि, आपकी फीलिंग्स आपके पार्टनर के लिए कैसी होगी। ओके, कुछ कार्ड्स और हम यहाँ से निकालते हैं आपके फिर आपके लिए, आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या होगी कन्या राशि।
आपकी फीलिंग्स आपके पार्टनर के लिए क्या होगी कन्या राशि? आपके पार्टनर की फीलिंग से स्टार्ट करते हैं तो देखिए क्लियरली दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है वो उनको बहुत ही ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन है आपसे, बहुत ज़्यादा। तो वो सिर्फ आपके साथ अच्छा टाइम, जैसा कि मैंने पहले बोला, एक अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। वो कोई कमिटमेंट वाली एनर्जी में नहीं है, वो खुद कन्फ्यूज़ है अपनी लाइफ में कि वो उनको कैसा लाइफ पार्टनर चाहिए, उन्हें कैसा परमानेंट पार्टनर चाहिए। उनको खुद को अभी समझ नहीं आया है, अभी वो खुद उस डायरेक्शन में नहीं है, उस पाथ पे नहीं है कि वो एक कमिटमेंट वाली एनर्जी में आ सके। तो आपके जो पार्टनर हैं यहाँ थोड़ा इमेच्योर एनर्जी में है, वो सिर्फ इन्जॉय करना चाहते हैं अपनी लाइफ, खुश रहना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं मुझे ये भी दिख रहा है कि वो डिसाइडेड है कि वो अरेंज मैरिज कर लेंगे, जैसा उनकी फैमिली कहेगी वो वैसी शादी कर लेंगे। अगर ये 15 दिन में देख रही हूँ तो 15 दिन में बहुत ज़्यादा आप दोनों में एक अट्रैक्शन हो सकता है, एक दूसरे से मिलने का पैशन हो सकता है, एक दूसरे से आप मिल सकते हो जिसमें आपके जिसमें कि आप दोनों अच्छा टाइम स्पेंड करो और पास्ट के अच्छे मोमेंट्स याद करो। और आपके जो पार्टनर है वो क्लियरली आपको कह सकते हैं कि ये रिश्ता जो है ये यहीं तक का है, क्लियरली वो कहते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर देखो चीटिंग वाली एनर्जी यहाँ पर दिख रही है, लेकिन चीटिंग वाली एनर्जी यहाँ पर मैं ये नहीं कहूँगी कि वो धोखा दे रहे हैं, बिकॉज वो आपसे क्लियरली कह रहे हैं, आप उनकी बात को समझ रहे हो, आप उनकी हरकतों से उनकी बातों को समझ रहे हो। तो ये एक कार्मिक रिश्ता है जो कि आपको कुछ ये कह सकती हूँ कि कुछ सिखाने आया है कि स्ट्रांग बनो, आपको रहना है तो रहो, किसी रिश्ते में नहीं रहना है तो बाहर निकल जाओ। बहुत ज़्यादा इमोशंस किसी के लिए मत रखो। कोई आपको अप्रिशिएट कर देता है, कोई आपसे प्यार की बात कर देता है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनकी बातों में आ जाओ, क्योंकि आपके जो पार्टनर हैं यहाँ पर इन 15 दिनों में बहुत ज़्यादा आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं। मैनिपुलेट इट मीन्स कि बहुत ज़्यादा आपकी तारीफ करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा आपको पैम्पर करने वाले हैं, प्यार करने वाले हैं और दिखाने वाले हैं कि वाओ हमारा टाइम कितना अच्छा है, कितना अच्छा टाइम हम स्पेंड कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। लेकिन एक्चुअल में वो खुद कंफ्यूज है कि उन्हें कैसा रिश्ता चाहिए, कैसा प्यार चाहिए, वो कैसे रिश्ते में रहना चाहते हैं। यहाँ आपकी एनर्जी जो है वो क्लियरली ये दिख रही है कि स्टेबिलिटी वाली एनर्जी है, स्टेबिलिटी चाहिए। आप अपने यूनिवर्स से, अपने डिवाइन से सिर्फ यही प्रे कर रहे हो कि जो रिश्ता मिले, जो भी मेरा रिश्ता हो वो मेरे साथ हमेशा रहे। 4 की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है, एक्चुअली 4 की दिख रही है। तो रीडिंग देखते वक्त आपको 4 नज़र आ सकता है, या फिर आप एक कमिटमेंट वाली एनर्जी भी यहाँ पर है जो कि आप आपके पार्टनर के साथ शेयर कर सकते हो कि बस बहुत हो गया, अब मुझे ये सब नहीं चाहिए, पैम्पर होना, मुझे ये सब बिना मतलब का प्यार दिखाना, या फिर तुम ये कहो कि मैं टाइम पास करूँ, तो वो सब नहीं चाहिए, अब मुझे इन सब रिश्तों से बाहर निकलना है। तो एक नई लाइफ की शुरुआत करने की समझ आप में आने वाली है, और आपके पार्टनर आपको सिर्फ पैम्पर करने और प्यार करने में अपना वक्त लगाने वाले हैं। आप अपनी बात पर अडिग रहोगे कि जो चाहिए वो परमानेंट चाहिए, कमिटमेंट चाहिए तो कमिटमेंट ही चाहिए। अब आप में वो इमोशंस आप खुद देखेंगे कि ये सब चीज़ें बदल गई है। आप इन 15 दिनों में बहुत प्रैक्टिकल बन गए हो, जो किसी के प्यार में इतना बुरे तरह से पड़े हुए थे कि इसके बिना तो मैं जी ही नहीं सकता, वो इससे बाहर निकलने वाला है, इस सिचुएशन से बाहर निकलने वाला है। जजमेंट की एनर्जी है, तो जो भी जजमेंट होगा ना वो बेस्ट होगा आपके लिए, आप उसको एक्सेप्ट करना। अगर आपको यहाँ से मूव ऑन करना पड़े, अगर आपको इस रिश्ते से निकलना पड़े तो आप निकल जाना, बहुत आसानी से आप निकल जाओगे, क्योंकि वो चीज़ जो आपको चाहिए वो आपको मिली ही नहीं है इस रिश्ते में। तो ये 15 दिनों में मैं आपकी एनर्जी में कन्या राशि ये देख पा रही हूँ कि आप एक्चुअली समझ पाओगे कि मैं इस रिश्ते में नहीं पड़ मुझे इस रिश्ते में नहीं पड़ना चाहिए, ये मेरे लिए नहीं है, ये टेम्प्रेरी रिश्ता है, ये सिर्फ मुझे यूज़ करने के लिए है, ये सिर्फ कुछ ही टाइम के लिए है। ठीक है, अगर मैं ये ना बोलूँ कि यूज़ करने के लिए, हो सकता है कुछ टाइम के लिए भी अफेक्शन हो जाता है, अट्रैक्शन हो जाता है, लेकिन ये परमानेंट नहीं है, ये चीज़ आपको समझ आ जाएगी। तो मुझे यहाँ से आप वॉकिंग अवे करते हुए नज़र आ रहे हो, मूव ऑन करते हुए नज़र आ रहे हो, आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो, बहुत ही अपने इमोशंस को छोड़ते हुए पीछे। आप बहुत प्रैक्टिकल बनोगे और एक नई जीवन की शुरुआत आप करोगे। ठीक है, देखते हैं ओवरऑल कैसे रहेंगे आपके ये 15 दिन कन्या राशि।
15 दिन ओवरऑल कैसे रहने वाले हैं आपके टोटलिटी एडवेंचर। देखिए यहाँ पे दो किंग है, तो हो सकता है कोई ऐसा मैच्योर पर्सन, फादर या फादर फिगर, या फिर आपका कोई मैच्योर फ्रेंड आपको अच्छे से गाइड कर सकता है, संभाल सकता है, आपको सिचुएशन को समझा सकता है कि तुम्हारा फोकस तुम्हारे करियर, तुम्हारे गोल पे होना चाहिए। ऐसे इंसान के में अपना टाइम मत इन्वेस्ट करो जो कि तुम्हें धोखा दे रहा है या जो सिर्फ तुम्हारे साथ टाइम पास कर रहा है। तो ऐसे पर्सन की भूमिका इन 15 दिनों में बहुत अच्छी आपकी लाइफ में हो सकती है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ इन 15 दिनों में आप अच्छा टाइम स्पेंड करोगे, आप अपने फ्रेंड्स के साथ फैमिली फंक्शन में भी जा सकते हो, कोई अच्छी पार्टी में जा सकते हो। और मैं ये कहूँगी कि ओवरऑल मैं ये कहूँगी कि आप हील हो रहे हो। कुछ कार्मिक डेज भी आते हैं हमारी लाइफ में जो कि हमें हील करके जाते हैं। हमारे जो कर्मा है जिससे हमने बहुत पेन लिया है उससे हमारी हीलिंग होती है। तो ये जो 15 दिन है ना आपको हील करेंगे। जो भी आपने सहा है अपनी लव लाइफ में, जो भी आपको पेन मिला है, चीटिंग मिली है, या फिर जो चीज़ें आप चाहते थे जो आपको नहीं मिल पाई है, उन सब से आपकी हीलिंग होगी। जहाँ आप स्टक थे, जहाँ आपको समझ नहीं आ रहा था कि क्या चूज़ करना चाहिए, किसके साथ रहना चाहिए, पता है आप हील हो जाओगे, आपको समझ आने लगेगी चीज़ें, आपको आप अपने डिसीजन पे आने लगोगे। आपका चक्रास जो है ना, वो जो हार्ट चक्र है, जो थर्ड आई चक्र है, वो हील हो जाएगा पूरी तरह से। तो आपके रिश्ते आप बैलेंस कर पाओगे, जो रिश्ते बिगड़े हुए थे वो ठीक कर पाओगे इन दिनों में। और आपको एक्चुअली समझ में आएगा कि किससे कितना प्यार करना है, किसको कितने इमोशंस देने हैं, किसको अपनी फीलिंग्स शेयर करनी है, आपको ये सारी चीज़ें समझ आने वाली है। अपनी सक्सेस की तरफ भी आप कदम बढ़ाने वाले हो, सक्सेसफुल बनने वाले हो, कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़, नए गोल्स आपके सामने आ सकते हैं इन 15 दिनों में। लाइफ में ओवरऑल मैं देख पा रही हूँ, अगर आप अब भी परेशान हो, अगर आप ब्रेकअप में हो, अगर आपको सेटिस्फाइड नहीं हो अपनी लव लाइफ से, तो 15 के बाद में मैं देख पा रही हूँ कि आप बहुत अच्छे से खुशी खुशी अपनी लाइफ में रहोगे। आपको मतलब कि एक पीस आएगा लाइफ में कि यस अब सुकून है, अब कोई ना हो तो भी सुकून है, राइट? तो ऐसी सिचुएशन आपकी इन 15 दिनों में बनने वाली है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्या गाइडेंस है आपके लिए कन्या राशि, कन्या राशि के लिए क्या गाइडेंस है एंजल की साल के लास्ट 15 दिन के लिए। देखिए वापस से हार्ट चक्र हील हो रहा है, यहाँ पर भी आपका हार्ट चक्र हील हो रहा था सेम, और ये हार्ट चक्र फिर से हील होता हुआ नज़र आ रहा है। स्टैंड योर ग्राउंड, वाओ, सन, सन के ऊपर ही सन आया है, बहुत ही अच्छा, ब्यूटीफुल। देखिए बहुत ही पॉजिटिव आपके लिए गाइडेंस दी जा रही है कि एक तो ग्राउंडेड बनो, सबसे पहले तो ये कि भाई अपनी जगह निर्धारित कर लो कि तुम्हें कैसे रहना है, कहाँ रहना है, किस रिश्ते में रहना है, कितना रहना है, ये आपको समझ आना बहुत ज़रूरी है। जो कि मैं देख पा रही हूँ कि इन 15 दिन के लास्ट तक, इस साल के आखिरी तक तो आप समझ ही जाओगे। अब आप किसी पे बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं करने वाले हो, बहुत ज़्यादा किसी को अपना टाइम नहीं देने वाले हो, आप अपनी एक जगह बना लोगे कि मेरी ये बाउंड्रीज है, मुझे इन्हीं लिमिट्स में रहना है और ये मेरे थॉट्स है जिसको मुझे फॉलो करना है, राइट? एन्जॉय सक्सेस एंड हैप्पीनेस, जो खुद की सक्सेस है ना उसको इन्जॉय करो लाइफ में, उसको बनाने की कोशिश करो, उसको बढ़ाने की कोशिश करो। कई बार हमारा मन चंचल होता है, इधर उधर शिफ्ट हो जाता है और हम अपनी सक्सेस से थोड़ा पीछे आ जाते हैं, तो ऐसा मत करो, अपनी सक्सेस पे पूरी तरह से फोकस करो। बी ग्रेसफुल इन मोमेंट एंड एक्शन, तो जो आप एक्शन लेते हो, जो भी आप अपनी लाइफ में करना चाहते हो, छोटी छोटी अगर कोई परेशानियाँ आ जाती है तो उसकी वजह से उसे छोड़ो मत, अपना पैशन, अपना जुनून बनाए रखो। जब वो जुनून बने रहेगा ना तभी आप अपने गोल तक पहुंच पाओगे। किसी के भी कहने में आकर या किसी के भी कुछ भी छोटी छोटी बातें कह देने से अपना मूड ख़राब मत करो, अपना मूड हमेशा ग्रेसफुल रखो, अच्छा रखो और अपने एक्शन में हमेशा रहो। स्टे रूटेड एंड ग्राउंडेड, तो अगेन यहाँ पर कहा जा रहा है कि अपने आप को हील रखो, अपने आप अपने दिल को खुश रखने की कोशिश करो सबसे पहले। या ग्रीन कलर की एनर्जी, ग्रीन क्रिस्टल्स भी आप यूज़ कर सकते हो जिससे कि आपकी हीलिंग हो जाए। अपने दिल को खुश रखने की कोशिश करो, दूसरों को खुश रखना बंद कर दो। जब आप खुश रहोगे तो आपके सराउंडिंग लोग ऑटोमेटिकली खुश रहेंगे,
ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं डाइस से आपने क्या सोचा है। तो जो भी आपने सोचा एक बार अपने मन में दोहरा लीजिए अपने सवाल को, देखते हैं क्या जवाब आता है, यस या नो। ओके, बहुत ही परफेक्ट यस आपका रिप्लाई है। जो भी आप सोच रहे हो उसका जवाब है हाँ। जब भी आप करना चाहते हो, जैसे आप करना चाहते हो, आप कर सकते हो, आपको डेफिनेटली उसमें सक्सेस मिलेगी। तो कन्या राशि, ये थी आपकी रीडिंग नेक्स्ट 15 डेज के लिए। रीडिंग पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।